दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक को बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें ज़िंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगज़ेब एक रोज़ गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुँच कर औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा कि चलो, मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाज़िरी दी और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतज़ार कर रहा था। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगज़ेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े मेरी आँखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे न मिले तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया और वह अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आँखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आँखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आँखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा और जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज़ किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक मरतबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने तीसरी मरतबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब ये था कि जब बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मरतबा भी बादशाह औरंगज़ेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मरतबा बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ऐ बादशाह औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी ज़िद न करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आँखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, सुबहान अल्लाह, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई, सुबहान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतावाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात है।
और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनत हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तब हज़रत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकात से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाज़े खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहाँ हज़रत मौलाना हिसामुद्दीन और हज़रत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी दो उंगलियां आपकी दोनों आँखों के बीच में रखी और फिर फरमाया मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा मैं तहतुस सरा तक देख सकता हूँ, यानी कि 7 तबके ज़मीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आज़म तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहाँ तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदक़े में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कहने सुनने में जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई होंगी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तू अपने रहम करम से उसे माफ़ फरमा दे। मौला तू बेशक रहम फरमाने वाला है। मौला तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैह। मौला अपने रहम व करम से माफ़ फरमा दे और हमें वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है।